मेरी तरह बहुत लोगों को ये सुबह की आवाज़ें बहुत सुकून पहुंचाती होंगी, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए काफ़ी बिजी होने वाला था। तो मैंने वॉकिंग के बाद जल्दी से बाथ ले लिया और उसके बाद मुझे आज ऑफिशियल, पर्सनल एंड शॉपिंग बहुत से काम करने के लिए निकलने थे। तो मैं सीधे ब्रेकफास्ट पे आ गई, जहाँ पर बफेट ब्रेकफास्ट था और ललित होटल के ब्रेकफास्ट ऑल ओवर इंडिया एंड यस इंटरनेशनल में भी काफ़ी नामी हैं। तो मैं यहाँ पर बफेट एरिया में आकर ब्रेकफास्ट की और ये एक छोटा सा व्यू है, आप देख सकते हैं इतने सारे मेनू कि मुझे नहीं लगता है कि एक पर्सन के लिए पॉसिबल होगा कि वो सारे फूड ट्राई कर सके। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि आपको क्यों ना रूम टूर करा दूं। तो ये मैं रूम में इंटर करते हुए और ये रही मैं। तो चलिए अब मैं आपको रूम के अंदर का व्यू दिखाती हूँ। करने के बाद अब मैं नीचे लॉबी की तरफ आ रही हूँ। आपको मैं पूल साइड ले जाऊँगी, जहाँ पर वहाँ का मैं आपको व्यू दिखा सकूँ। तो अब मैं ये पूल साइड आ गई और काफ़ी सुंदर यहाँ के पूल साइड का व्यू। उसके बाद मैं लॉबी पे बैठ के अपने कैब का इंतज़ार कर रही थी और ये एक सराउंडिंग आपको लॉबी का व्यू एक क्लिप लिया था मैंने, जो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूं। फाइनली मेरे कैब आने के बाद मैं घर से बाहर आ गई हूं और अपने काम के लिए निकल गई हूं। और आज मेरा बहुत सा ऑफिशियल, पर्सनल एंड शॉपिंग का काम था, तो मैं मिलती हूँ ये काम करके आपसे। तो ये मेरा वर्क प्लेस है, जहाँ पर मेरी मीटिंग थी और ऑफिशियल वर्क था और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी था। काफ़ी सुंदर सजा रखा था, मैं सोची कि ये व्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू था। मुझे सारे काम ख़त्म करने में बहुत ही शाम हो गई, जिसके कारण मैं काफ़ी टायर्ड भी हो गई थी और कुछ काम रह भी गया था। फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी शाम हो गए, मुझे होटल की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कैब लेकर होटल की तरफ मैं चल पड़ी। तो अब मैं आ गई हूँ होटल में
काफ़ी टाइड होने के कारण हम लोगों ने रूम में ही अपना डिनर ऑर्डर कर लिया था और उन्होंने रूम में ही आकर सारा सर्व कर दिया। तो अब मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।